अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सरदार हमजा। आपको मैं अपने चैनल स्मार्ट टेक्नोलॉजी के अंदर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज ये एक्सेल की सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। आज इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं और उसके अंदर का जो बेसिक लेआउट होता है उस लेआउट को हम एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने का बताया था। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सबसे पहले ओपन कीजिए, कीबोर्ड से विंडो प्लस आर का बटन दबाएं और इसमें लिखें एक्सेल। एक्सेल लिख के ओके करेंगे तो आपके सामने ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद ये सामने जो आपके पास स्क्रीन आई है, इसी स्क्रीन को लेआउट कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये होता है, लेआउट क्या होता है, लेआउट होता क्या है। दोस्तों, याद रखें, किसी भी सॉफ्टवेयर को जब आप ओपन करते हैं तो सामने वाली जो स्क्रीन आती है, फर्स्ट स्क्रीन, उस फर्स्ट स्क्रीन को हम लेआउट कहते हैं। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो पहली जो फर्स्ट स्क्रीन मेरे सामने आई है, इस फर्स्ट स्क्रीन को लेआउट कहते हैं। दोस्तों, अब ये लेआउट जो है इसको हमने एक्सप्लेन करना है। हमारा जो आज टॉपिक था वो यही है, एक्सप्लेन लेआउट ऑफ एमएस एक्सेल, लेआउट ऑफ एमएस एक्सेल, कि एक्सेल का लेआउट कैसा होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप गौर कीजिए, ये टॉप पे आपको एक बार नज़र आ रही है रेड कलर की। इस टॉप वाली बार को हम टाइटल बार कहते हैं। सबसे टॉप पे जो पहले नंबर पे बार आपको दिख रही है उसको हम टाइटल बार कहते हैं। अब ये टाइटल बार क्या होती है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये बात बाद में करेंगे। दोस्तों, सिर्फ अभी इसका लेआउट समझना है। टॉप वाली बार को टाइटल बार कहते हैं, जबकि दूसरे नंबर पे इसके साथ ये जो छोटी सी बार होती है इसको हम क्विक एक्सेस बार कहते हैं। ये वाली जो बार है इसको क्विक एक्सेस बार कहा जाता है। तीसरे नंबर में आए तो ये आपको फाइल मेन्यू, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे के सारे टैब्स होते हैं, इसको रिबन भी कहा जाता है। जैसे होम रिबन को मैंने ओपन किया तो ये इसके अंदर सारे टूल्स हमको दिख रहे हैं। इसी तरह मैं इंसर्ट को ओपन करता हूँ तो ये अंदर इसके सारे टूल्स आ रहे हैं, ये सारा का सारा रिबन होता है। आप देख सकते हैं पेज लेआउट को, ये भी हमारा मेन्यू है, इसको हम टैब्स भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर टाइटल बार, दूसरे नंबर पे क्विक एक्सेस बार होती है, तीसरे नंबर पे ये मेन्यूज होते हैं जिनको हम टैब्स भी, रिबन भी कहते हैं, चौथे नंबर पे ये देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे टूल्स हैं। अब किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि आप उसके टूल्स को समझें। जैसे देखें, टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना होता है तो मैं एक टूल यहाँ से यूज़ करता हूँ, इसी की मदद से टेक्स्ट का साइज़ बड़ा होता है। तो ये सारे के सारे टूल आने वाली सीरीज़ में हम सीखेंगे। पांचवे नंबर पे आप देखें दोस्तों, ये जो बॉक्स होता है इसको नेम बॉक्स कहा जाता है। अब ये नेम बॉक्स क्या होता है, देखें दोस्तों, हमारे पास ये कॉलम है, कॉलम के साथ साथ ये सारी की सारी रोज हैं। जब रो और कॉलम मिलते हैं तो टेबल बन जाते हैं। अब टेबल के अंदर ये छोटे छोटे सेल होते हैं। अब देखें, ये जो सेल मैंने सेलेक्ट किया है, इस सेल का एड्रेस क्या है, कॉलम कौन सा है जी, डी, रो कौन सी है, 8, तो इस सेल का एड्रेस कहलाता है D8। ये वाला सेल जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इस सेल का एड्रेस देखें, ये कॉलम है, कॉलम H और रो 9, तो H9 इसका एड्रेस है। तो किसी भी सेल का एड्रेस मालूम करना हो तो आप नेम बॉक्स के अंदर देखें या आप कॉलम देखें कौन सा है और रो देखें कौन सा है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा ये कौन सा कॉलम, कौन सी रो है और सेल कौन सा है। तो दोस्तों, याद रहे, ये हमारे सेल एड्रेस कहलाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, इस सेल का एड्रेस क्या है, तो आप कहेंगे जी कॉलम N है, रो 17 है, तो N17 इस सेल का एड्रेस है। दोस्तों, ये इसलिए अभी बता रहा हूँ, ये सेल एड्रेस बाद में बहुत अहमियत रखता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि सेल एड्रेस क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे देखें, आपके पास एक बार आती है, इस बार को हम फार्मूला बार कहते हैं। कौन सी बार कहते हैं जी, फार्मूला बार। याद रखें, ये सेलों के अंदर जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो वो फार्मूला बार के अंदर लिखा जाएगा। तो फिलहाल ये देखें, इस बॉक्स को हम फार्मूला बार कहते हैं। उसके बाद ये हमारे कॉलम्स होते हैं, इनको हम कॉलम्स कहते हैं, और ये सारी की सारी हमारी रोज़ होती हैं, इनको हम रोज़ कहते हैं। और ये पेज को ऊपर नीचे करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है इसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं। अगर हम अपने पेज को ऊपर लेके जाना चाहें या हम अपने पेज को और नीचे लेके आना चाहें
तो हम स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करके पेज को ऊपर और नीचे लेके आ सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे नीचे आए तो आपके पास शीट्स हैं, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3। जब एक शीट पूरी ख़त्म हो जाए फिर शीट नंबर 2 पे काम करें, शीट नंबर 2 ख़त्म हो जाए तो शीट नंबर 3 पे काम करें। तो दोस्तों ये सारी की सारी हमारी शीट्स होती हैं। और अगर हम एक और शीट लेना चाहें तो यहाँ पे प्लस के बटन को या ये इंसर्ट न्यू वर्कशीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और शीट आ जाएगी। इसी के साथ ही साथ ये हॉरिजेंटल स्लाइडर होता है, आप इसको भी देख सकते हैं। शीट ज़्यादा शीट के ऊपर लिखा हुआ है कुछ तो इसको आगे लेके जा सकते हैं, पीछे लेके आना हो तो पीछे लेके आ सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जूमिंग कंट्रोल होता है या जूमिंग स्लाइडर इसे कहा जाता है। अगर हम अपनी पेज को जूमिंग कम करना चाहें पेज की या ज़्यादा करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे 3 व्यूज़ आप देख रहे होंगे। नॉर्मल व्यू, जब हम अपनी शीट को या एक्सेल को ओपन करते हैं तो ये नॉर्मल व्यू में होता है। अगर इसको मैं पेज लेआउट में रख लूँ कि हमारे जितने भी शीट्स के अंदर पेजेस हैं वो अलग अलग हो जाएं तो हम इसको पेज व्यू में भी लेके जा सकते हैं। तो नॉर्मली इसको हम किस में रखेंगे, नॉर्मल व्यू के अंदर रखेंगे। तो दोस्तों लास्ट पे देखें, ये वाली जो बार होती है इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। तो ये था हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक्सेल है, एक्सेल का लेआउट। दोस्तों आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि लेआउट क्या होता है। लेआउट किसे कहते हैं, जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन किया जाता है तो उसके जो फर्स्ट स्क्रीन होती है, जो सबसे पहले स्क्रीन आपके सामने आती है, उस स्क्रीन को हम लेआउट कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये तो समझ आ गई होगी कि लेआउट क्या होता है और एमएस एक्सेल का लेआउट कैसा होता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के लेआउट को एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान होता है। दोस्तों आपसे सिर्फ यही पूछा जाता है लेआउट क्या होता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ लेआउट क्या है, तो आप कह सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को जब ओपन किया जाता है तो उसकी जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने आती है उस फर्स्ट स्क्रीन को ही हम लेआउट कहते हैं। तो मैंने एक्सेल का सारा लेआउट आपके सामने रख दिया। अब यहाँ पे चंद बातें बीच में और हैं जो आपके साथ करनी है, फिर लेक्चर को ख़त्म करेंगे, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। यहाँ पे देखिए एक बटन बना हुआ है। इस बटन का मकसद सिर्फ इतना होता है कि अगर ये रिबन आपने नहीं देखना, ये टूल्स आपने नहीं देखने, इसको यहाँ से बंद कर दे। और अगर आप इनको दोबारा देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर दोबारा क्लिक करें तो ये दोबारा आपके सामने शो हो जाएंगे। या दूसरा तरीका ये है, आप किसी भी टैब के ऊपर डबल क्लिक करें तो रिबन हट जाएगा, फिर डबल क्लिक करें तो रिबन दोबारा आ जाएगा। या आप इस तरह से करें, यहाँ पर राइट क्लिक करें या किसी भी रिबन के ऊपर आप राइट क्लिक करें और यहाँ से मिनिमाइज रिबन कर दें तो रिबन आपका मिनिमाइज हो गया। दोबारा राइट क्लिक करके इसको टिक कर दें तो वो दोबारा आपके सामने शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये तरीकेकार था इसका, सारे टॉपिक का। दोस्तों ये मैंने आपको आज समझाया कि एक्सेल का लेआउट कैसा होता है। अब हम सबसे पहले अगले लेक्चर में जाएंगे और फाइल मेन्यू को सीखेंगे, इसके अंदर कौन कौन से टूल्स होते हैं। फिर इंशाल्लाह साथ साथ एक्सेल होम को देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या होता है, फिर इंसर्ट को, फिर पेज लेआउट को। हमने दोस्तों ये मकसद रखना है कि इसके अंदर जितने भी टूल हैं हर टूल को हमने समझना है। सारे के सारे टूलों को अगर हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए एक्सेल के अंदर काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही। आज सिर्फ हमने जाना कि एमएस एक्सेल का लेआउट क्या होता है और उसको हमने एक्सप्लेन किया। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा और दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।